हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं फॉक्सटेल मिलेट से दो बड़ी मजेदार रेसिपी। एक है कॉकटेल उत्तपम और दूसरा है सेजवान रोल। एक ही बैटर से दो बड़ी ही डिफरेंट टेस्ट वाली बहुत मजेदार रेसिपी बनकर के रेडी होगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप फॉक्सटेल मिलेट ओवरनाइट सोक करके लिया है, साथ में मैंने आधा कप सूजी ली है। मेरे पास में थोड़ी मोटी सूजी थी तो मैंने वो ली है, बारीक हो आपके पास तो आप बारीक वाली लीजिए। आधा एक कप हमने खट्टा वाला दही लिया है, थोड़ा थिक कर्ड चाहिए हमको, और साथ में हमने अदरक और हरी मिर्च ली है। ये देखिए, मैंने जो फॉक्सटेल मिलेट भिगाया था वो पानी अलग निकाल के रख लिया है, क्योंकि अगर हम अभी एक साथ पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा बैटर जो है वो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो सकती है, और इसीलिए मैंने पानी अलग निकाला है। यदि ज़रूरत होगी तो मैं डालूंगी। और जो हमारी सूजी है वो थोड़ी थिक है, इसलिए हमने उसको मिक्सर के पॉट में ही डाल लिया है। और ये देखिए, मैंने अभी 2-3 टेबलस्पून कर्ड डाला है, यदि ज़रूरत महसूस होगी तो मैं और डालूंगी। और फिर बाद में मैंने ग्राइंड करते समय पूरा कर्ड डाल लिया था, और ये हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फाइन बन करके रेडी हुई है, और हमें जो पानी हमने सोक किया था वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम वो पानी किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। मैंने एक 15 से 20 मिनट के लिए इस बैटर को अलग ढक करके रख दिया था, और अब उसके बाद में मैं इस बैटर में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट को मैं बैटर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें से हाफ बैटर जो है शेजवान रोल के लिए अलग निकाल करके रख लूँगी। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली ये रेसिपी बहुत टेस्टी होती है। सेजवान रोल तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और आप चाहें तो अपने मेहमानों के आने पर भी इसे बना सकते हैं। और देखिए, मैंने हाफ हाफ जब बैटर निकाल लिया है, उसके बाद जो उत्तपम वाला बैटर है उसमें मैं 1 टीस्पून इनो डाल रही हूँ। इनो उत्तपम जो होते हैं थोड़े से फ्लफी अच्छे लगते हैं। और बस इस तरीके से हम तवे पर लेडल भर करके हमने बैटर डाला, उसे हम बिल्कुल भी फैलाएंगे नहीं। ऊपर से हम बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च की टॉपिंग डालेंगे। आप और भी कोई वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं कलरफुल तो डाल सकते हैं, और चाहे तो आप बटर लें, चाहे तो आप ऑयल लें। उसे हम बाजू से थोड़ा सा लगा करके इसे कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट कुक होने देंगे, क्योंकि इसमें मिलेट भी है, तो इसे अच्छे से आराम से आप कुक कीजिए। और ये देखिए, अब जब ऊपर की कवरिंग थोड़ी सी कुक हो चुकी है, उस समय मैं इसे टर्न करके फिर से कुक करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से ये एक साइड से कुक हो चुका है। थोड़ा सा बटर या ऑयल हम और लगाएंगे, और उसके बाद में हम इसको दूसरे साइड से भी अच्छा क्रिस्पी कुरकुरा सेक लेंगे। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने जो सारे उत्तपम हैं उसे बना करके रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो फॉक्सटेल मिलेट होता है, ये विटामिन B12 रिच होता है, जो कि हेल्दी हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, अच्छे हेयर के लिए, सभी के लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। साथ ही शुगर को कम रखने में, लो ग्लाइसमिक इंडेक्स को कंट्रोल करने में भी ये जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो अगर हम इस तरीके से किसी न किसी रूप में अच्छी डिशेस बना करके इसे अपने फूड में इंक्लूड करें तो बहुत फ़ायदे करेंगे। और ये देखिए, ये हमारे कॉकटेल उत्तपम बन करके बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप नारियल की चटनी के साथ, चाहे पीनट की चटनी के साथ में सर्व कीजिए। और चलिए अब हम हमारा सेजवान रोल बनाते हैं, जिसके लिए मैंने जो बैटर निकाल के रखा था उस बैटर को मैं उसी जो हमारा तवा है उसमें मैं स्प्रेड कर लूंगी रोटी की तरह, और उस पर मैंने 1 टीस्पून भर करके सेजवान चटनी डाली है, 1 टीस्पून मैं उसमें टोमेटो केचप डाल रही हूं, और 1 टीस्पून मैं उसमें मेयोनीज डाल रही हूं। अब साथ ही हम कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स इसके ऊपर डालेंगे, जिसमें एकदम फाइनली चॉप हमारी गाजर रहेगी, साथ में थोड़ी सी प्याज डालेंगे हम, शिमला मिर्च डाल रहे हैं, थोड़े से कटे हुए बारीक टमाटर डाल रहे हैं, और इस पे मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं। और बस इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सॉस के साथ में, और पूरी जो हमारी ये चपाती है इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और अब मैं इसके आजू बाजू थोड़ा सा ऑयल या बटर, आप जो भी पसंद करते हैं उसको आप स्प्रेड कर लीजिए, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अमूल का जो प्रोसेस चीज़ है उसको ग्रेट करके डाल रही हूँ।
बच्चों को स्पेशली चीज़ खाना बहुत पसंद होता है, आप ये रोल बनाकर उनको गरम गरम देंगे तो वो बिल्कुल पिज़्ज़ा और पास्ता भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये रोल लगता है। और इस तरीके से हम एक दो मिनट के लिए इसको इसी तरीके से होने देंगे। ये सब कुछ हमको लो फ्लेम पे करना है ताकि हमारा जो ये जो रोल है वो नीचे से जलना नहीं चाहिए। और बस अब हम इसको रोल कर लेंगे। आराम से आप इसका एक रोल बना करके रेडी कर लीजिए। रोल बनाने के बाद हम इसको एक मिनट के लिए और सेक लेंगे ताकि अच्छे से इसके जो अंदर चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फास्ट फूड है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आप चाहेंगे कि आपके घर के लोगों को आप बना कर दें। और यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।